Hello everyone, how are you? I hope you are fine. I am also fine. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। इससे आपको पता चला है कि कुड हैव और शुड हैव के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप सर्च कर रहे थे। इससे पहले लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने पीछे की सीरीज मॉडल की नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा अगर आपको टेंसेस में कुछ कन्फ्यूज़न है तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको कुड हैव और शुड हैव का यूज़ करना बातों बातों में समझाती हूँ। और यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आप शुड हैव और कुड हैव, जो कि आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, मॉडर्न इंग्लिश में बहुत यूज किया जाता है और जनरली लोग जो है घबरा जाते हैं सुन के कि आखिर इन लोग आगे वाले ने बोला क्या, सामने वाले ने बोला क्या, वो कुड हैव और शुड हैव में फंस जाते हैं। तो आपको मैं समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो मॉडल्स होते हैं, छोटे वाले मॉडल्स जैसे कि शुड, कुड, कैन, इनमें फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन अब ये थोड़े से बड़े वाले मॉडल हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, आप ही समझ जाएंगे अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं तो। जैसे कि शुड हैव और कुड हैव, पहले मैं आपको कुड हैव का मतलब बताती हूँ। कुड हैव और शुड हैव, जिनके आगे हैव लग जाएगा ना, तो उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि ये पास्ट माना जाता है। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इनमें जरूर लगेगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब कुड हैव, इसका मीनिंग क्या होता है? जिन वाक्यों के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, ये आएगा तो समझ लीजिए कि इसमें क्या यूज होगा, कुड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितना सिंपल है ना, तो आपको इसकी पहचान हिंदी में पता चली, कुड हैव यानी कि सकता था, सकती थी, सकते थे। अब कहीं भी ऐसा सेंटेंस दिखे तो उसमें आप कुड हैव लगाना ना भूलें। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हनी सो सकती थी, हनी सो सकती थी, तो इसको कैसे बनाएंगे? आप मुझसे पहले बना सकते हो, हनी कुड हैव स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे? हनी नहीं सो चुकी थी, सॉरी हनी नहीं सो सकती थी, या हनी सो नहीं सकती थी, कैसे भी करके बोलोगे ना। तो इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे? हनी कुड नॉट हैव स्लेप्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान करके सुनना आप, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे हो इंट्रोगेटिव, चाहे हो नेगेटिव, चाहे हो अफर्मेटिव, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कहीं आप नेगेटिव में ना लगाओ। ठीक है, तो मैंने आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर किया यहाँ पे कि आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है कुड हैव के साथ। मैंने आपको बताया एग्जांपल देके, अब नेगेटिव बनाओगे तो भाई सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे वाक्य बना सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं अफर्मेटिव सकारात्मक साधारण वाक्य जिन्हें कह लो, जिनमें नहीं, क्यों, कब नहीं आता है,
उनमें जो है आपका इंग्लिश में रिकग्निशन होगी, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पुट करना होता है, सेंटेंस आपको बनाना होता है। चलिए, ये तो थी कुड हैव की बात, अब हम बात कर लेते हैं शुड हैव की। सिमिलर है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। शुड हैव का मतलब क्या होता है? चाहिए था, चाहिए था, ठीक है। हम कई बार कहते हैं ना, तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, ठीक है। इस तरीके से आप बोलते हो तो वहां पे क्या यूज होने वाला है? शुड हैव, शुड हैव का यूज आप करेंगे, ठीक है। इसकी एक ही हिंदी में पहचान है कि चाहिए था सबके आगे लगेगा। अब जिन भी वाक्यों के अंत में चाहिए था लगेगा तो समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें शुड हैव का यूज करना है। और देखिए, मैंने अभी कुड हैव का यूज करते हुए भी आपको बताया था कि ये पास्ट में इंडिकेट करता है, क्योंकि अब यहाँ पे शुड हैव में भी देखिए चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो अब आप समझ गए हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हनी हनी को सोना चाहिए था, हनी शुड हैव स्लैप्ट, थर्ड फॉर्म आ गई। अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाऊं तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस आगे की कहानी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हनी, इसी को ले लेते हैं एक ही को, हनी हनी को नहीं सोना चाहिए था, तो हनी शुड नॉट Have slept, कितना इजी है ना। तो इस तरीके से आप ढेर सारे वाक्य बना सकते हो और इंग्लिश बोल सकते हो। ग्रामर्स के रूल जानना, रूल रेगुलेशन जानना जरूरी है, ठीक है। कुछ भी आप अगर एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो अगर आपको अच्छी अच्छी तरीके से बात करनी है तो आपको आपको ग्रामर का ज्ञान होना जरूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी का बटन जरूर दबाना, बिकॉज ऑफ बेल आइकन्स रोल इज वेरी बिग एंड इफ यू विल प्रेस बेल आइकन देन सिंपली यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन वेयर फ्रॉम टूवर्ड्स दिस चैनल। तो आपको ये करना है, आप मुझे फर्दर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन दे सकते हो। तो बच्चों या फिर जो भी हो आप, आपने आज सीखा कुड हैव और शुड हैव का यूज़। आगे मैं आपको दूसरे मॉडल के बारे में बताने वाली हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जाते जाते एक लाइक ज़रूर देके जाएगा। Thank you so much.